हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक पाइथन स्क्रिप्ट से हम कैसे फेसबुक प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं विदाउट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाले हुए। ठीक है, तो जो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं हमें फेसबुक ओपन करने के, कि हमको गूगल क्रोम या अपना कोई भी ब्राउज़र में जाना पड़ता है। ठीक है, एंड देन हमको यहाँ पर फेसबुक सर्च करना पड़ता है। ठीक है, जो फर्स्ट आस्क होती है फेसबुक हम लोग सर्च करेंगे, देन इस वेबसाइट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को अपना यूज़र नेम या फ़ोन नंबर डालना होता है, एंड देन हम लोग को यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, एंड देन इसमें लॉगिन करना होता है। तो इन सब बचने के लिए हम एक पाइथन कोड लिखने वाले हैं जो कि ये सब काम जो है ना वो अपने आप करेगा, ऑटोमेशन होएगा इसका फेसबुक ऐप फेसबुक वेबसाइट खोलने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो आप लोग के पास पाइचाम हो गई आई गेस, नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री है, नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, मैंने इसकी पीछे वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सेलेनियम चाहिए। ठीक है, सेलेनियम एक पैकेज होता है जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, फाइल्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, एंड देन आप ये पाइथन इंटरप्रेटर का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्लस नाम का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको बटन दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप सर्च करना है सेलेनियम। मेरे पास है ऑलरेडी, तो देखो ये हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास नहीं तो आप यहाँ जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि इसके लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए और आप कैसे इसको अचीव करोगे। ठीक है, तो पहले तो हम सेलेनियम लिखेंगे, एंड देन हमें इसका एक क्लास चाहिए वेब ड्राइवर। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या एक ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट्स से ब्राउज़र। ठीक है, एंड देन हम एक फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे जो कि क्रोम खोलने के लिए फंक्शन हम होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये क्रोम का, एंड देन हमें क्या करना है, स्टेप टू क्या होगा हमारा, कि हमें फेसबुक पे जाना है। ठीक है, फेसबुक पे हमको जाना है, तो देखो हम लोग ने क्या किया, हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब इस ये इसके अंदर जो भी कोड लिखा है ना, जो भी इसका रेफरेंस है यहाँ पर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्राउज़र से के नाम से ऑब्जेक्ट से जो फंक्शन दिया गया है एक गेट, इसको हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या डालना है, यहाँ पे हमें पाथ डालेंगे फेसबुक का या कोई भी वेबसाइट का जो भी हमें ओपन करनी है। ठीक है, तो हम जाएंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। तो चलिए पहले इतना रन करके देखते हैं कि यह वर्क करता है कि नहीं। ओके, कुछ एरर आ गया, वेब डॉट क्रोम ओके सी की स्पेलिंग सी कैफ में आएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओहो, हमारे पास ये एरर आ गया। ठीक है, तो ये एरर आपको आपके पास भी आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो क्रोम ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करना है वेबसाइट पे जाके, एंड उसको अपने एक पाथ पे रखना है। यहाँ पर हमें वो पाथ देना है, तो ऑलरेडी मैंने ये पाथ सेव करके रखा है, तो इस पाथ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, अब हमारा कोड रन होना चाहिए। देखिए हमारा कोड वर्क कर रहा है और ये हमारा ये खुल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये वेबसाइट खुल गई, अब हमें क्या देखना है कि जो भी ईमेल एड्रेस होता है और जो फ़ोन नंबर होता है हमारा, वो यूजली हम यहाँ इस फील्ड में डालते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड की हमें आईडी चाहिए होती है, आईडी मान लीजिए आईडी चाहिए, या इसका जो क्लास नेम होता है वो चाहिए होगा, एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो कि पता लगाएगा कि हमें इस फील्ड में अपना कुछ वर्क करना है। ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन या कुछ कुछ वर्क करना है हमें। तो यहाँ पर हम जाएंगे इंस्पेक्ट में, इसके लिए आपको बेसिक ऑफ HTML पता होना चाहिए।
और हमने देख लिया कि इसकी आईडी है ईमेल। ठीक है, अब इस डिब्बे की देखेंगे हम। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे गए और यहाँ पे देख लिया इसकी आईडी है पास। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, यूज़र नेम। ठीक है, एक हमने वेरिएबल बना लिया यूज़र नेम इज इक्वल टू। अब क्या क्या देखेंगे, देखिए हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र लिखेंगे। अब हम फंक्शंस कॉल करेंगे वन बाय वन। हमें पहले क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए कि ये यूज़र नेम यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे ईमेल। उसकी आईडी क्या थी, ईमेल थी जो हमने अभी आपको दिखाई थी। ऐसे ही हम पासवर्ड नाम की फील्ड एक वेरिएबल बनाएंगे, तो पासवर्ड। ओके, एंड सेम चीज़ हम कॉपी कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पास, क्योंकि पासवर्ड वाली फील्ड की जो आईडी थी वो पास थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि जब हम ईमेल एड्रेस डाल दें, पासवर्ड डाल दें, तो ये बटन क्लिक होना चाहिए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस बटन की हम आईडी देख लेंगे कि इस बटन की आईडी क्या है। इस बटन की आईडी है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर सेम चीज़ हमने उठाई, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पे लेट्स से हम दे देते हैं सबमिट नाम का, सबमिट बटन नाम का, एंड यहाँ पे हम पास कर देते हैं इसकी आईडी। ठीक है, ये हो गया इतना। अभी क्या क्या, अभी सिर्फ हम लोग ने ये जो इसकी आईडी होगी ना, इसको असाइन किया किसी चीज़ पे। अभी वर्क क्या है कि ये हिट तो हो। ठीक है, जैसे कि ये क्या है कि बस एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट में हमने अपना जो भी इसकी फंक्शनलिटी है, जो भी इसका वैल्यू होगी, इसमें डाल दिया। अब इसको क्लिक भी करवाना है हमको। उससे पहले क्या होगा, हमें अपनी फील्ड भरनी होगी। ठीक है, तो हम जो ये फील्ड भरते हैं उसमें कुछ वैल्यू भरेंगे, स्ट्रिंग भरेंगे, तो वो तो हमको यहाँ देनी होगी ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक नई फाइल बना लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन होगा उसमें। न्यू में गए और यहाँ पे फाइल में चले गए, ओके सॉरी, पाइथन फाइल बनाएंगे। न्यू में गए एंड एक पाइथन फाइल बना ली कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम दे दिया एक, एंड यहाँ पे पासवर्ड दे दिया हमने, यूज़र नेम दे दिया gcodas9@gmail.com। हमने पासवर्ड अपना हम लोग बाद में देंगे। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड तो कॉन्फिडेंशियल होता है, हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो बना हुआ था यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इसमें एक फंक्शन होता है यूज़र नेम, ठीक है, सेंड की नाम का हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे हम वो वेरिएबल पास करेंगे। यूज़र नेम के लिए हमने क्या बनाया था, यूज़र नेम। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो अपना यूज़र नेम, बट वो थोड़ा सा सिक्योर नहीं होता है। अगर आप मतलब एक प्रोडक्शन काइंड ऑफ कोड लिखोगे तो आपको ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, सबकी अलग अलग फाइल बनाओ, इन केस सपोज फ्यूचर में आपको कुछ चेंज करना है तो आप कोड ढूंढोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे चेंज करोगे। तो इससे बेटर कि एक सेपरेट फाइल बनाओ, बस आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, और बाकी किसी भी आपकी जो मेन फाइल में आपको कभी चेंज करना नहीं होगा, तो ये ईजी होता है। ठीक है, अभी क्या करा हमने, यहाँ पासवर्ड बनाया सेम डॉट सेंट की पासवर्ड की स्पेलिंग कुछ गलत है, ओके ये गलत थी। ठीक है, यहाँ पे हमने पासवर्ड पास कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इतना ये यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए
हमने अपना प्रोग्राम रेडी कर लिया, अभी क्या सबमिट बटन की भी तो होना चाहिए ना, सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो इसके लिए एक फंक्शन दिया गया है क्लिक नाम का, डॉट क्लिक, ठीक है, इतना हो गया आई गेस, इतना सही है। अब तो मैंने अपना पासवर्ड वहाँ पर डाल दिया है कनेक्शन स्ट्रिंग नाम की जो फाइल बनाई थी हम लोगों ने। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, सी कैपिटल है, कनेक्शन स्ट्रिंग नाम की फाइल अब आ गई, इसको हमें कुछ नाम दे देंगे C2 लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पास कर लेते हैं C2 dot password एंड C2 dot username, ठीक है, ये कुछ गलत हो गया, यूज़र नेम ठीक है कैप्स में आएगा, एंड ये आएगा पासवर्ड, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, अब ये वर्क होना चाहिए, ये हमारा ब्राउज़र खुल गया, लॉगिन हुआ, यहाँ पे अपने आप वैल्यू डल गई, हमने कुछ नहीं किया, लॉगिन हुआ, ठीक है। कुछ इशू है मेरे अकाउंट में, ओके। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी कि ये कैसे वर्क करता है। अगर आप बस सिंपल सा अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हो तो इस प्रोग्राम से हम बहुत चीज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें फेसबुक खोलना है, हमें जीमेल खोलना है हम जीमेल खोल सकते हैं, हमको अपना इंस्टाग्राम खोलना है या कुछ भी चीज़ें, हमें अपनी वेब की चीज़ें खोलनी, वेबसाइट खोलनी है तो हम खोल सकते हैं। तो आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो, इफ़ यू डू सब्सक्राइब एंड शेयर।